नमस्कार, मैं सुनील कुमार प्रजापति, स्वागत है आपका एचबीएन न्यूज में। आज हमने अपने स्टूडियो में सोनू, जो कि खौड़ा वार्ड नंबर 4 से सभासद हैं, उनको बुलाया। जैसा कि आपको पता है कि सारे शहर में कोरोना जैसा वायरस फैला हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में लॉकडाउन लगा रखा है और इस लॉकडाउन से हर वर्ग के लोग परेशान हैं। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमने वार्ड नंबर 4 के सभासद को बुलाया है। सोनू जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा कि आपको पता है कि ज्यादातर निम्न वर्ग के लोग इस लॉकडाउन से प्रभावित हैं, तो आपने उन लोगों की मदद करने के लिए अपने क्षेत्र में क्या कदम उठाए? ये लगभग 23-24 तारीख से लगातार हम लोगों की मदद करते आ रहे हैं। जैसा कि हम जो जैसा था जैसे हम गरीबों को सूखा राशन प्रोवाइड करा रहे हैं। जो ज़्यादा गरीब हैं, मजदूर हैं, जो दाढ़ी मजदूरी करते थे जी, उन्हें हम सूखा लगातार उसी दिन से हम प्रोवाइड करा रहे हैं। लगभग हम 400 से 500 घरों में हम दे चुके हैं अपने वार्ड में, और आगे भी हमारा कार्य जारी है। सोनू जी, मुझे ये बताइए कि आप जो राशन प्रोवाइड करा रहे हैं, ये आप अपनी जेब से लगा रहे हैं या आपको प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिल रही है? नहीं, प्रशासन की तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिल रही है, और हमारे इसमें बहुत समाज सेवा है। हमारे चेयरमैन रीना भाटी जी और हमारे ललित भाई जिला पंचायत जो रह चुके हैं, उन्होंने हमें बहुत सहयोग किया है, और हम स्वयं भी अपना खर्चा करके हम इन लोगों की मदद कर रहे हैं। ये कार्य करने में आपको कठिनाई तो जरूर आ रही होगी। अगर कठिनाई आ रही है तो किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं? हमें कठिनाई इस प्रकार की आ रही है, एक्चुअली क्या है, जो भी दहाड़ी मजदूर है, जो भूखे मर रहे हैं लोग, उन तक ये राशन नहीं पहुंच पा रहा है ज्यादातर। और जो एक बंदा है लेके जा रहा है राशन, बार बार फिर लाइन में लग जा रहा है और वो राशन को ले रहा है, तो ऐसी कठिनाइयां बहुत आ रही है। जो स्टॉक जमा कर रहे हैं और जो दहाड़ी मजदूरी, जो बेचारे एक वक्त का खाना नहीं बना, उन तक राशन नहीं पहुंच पा रहा है। तो आप लोग ये कैसे चिन्हित करते हैं कि उन तक राशन नहीं पहुंच पा रहा है? हमने ये करा है कि जो भी हमें पास कोई आता है, हम उसका नाम और नंबर नोट करते हैं, उसके घर जाते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं वाकई में उसके पास राशन है या नहीं है, फिर हम नहीं है तो हम उसको प्रोवाइड कराते हैं। तो ये राशन जो आप बांटने की प्रक्रिया चला रहे हैं, इसके लॉकडाउन पर कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है? आपके जो व्यक्ति जा रहे हैं वो जो नियम है लॉकडाउन को, उसको पूरा निभा पा रहे हैं या नहीं निभा पा रहे हैं? नहीं, एक्चुअली क्या है, अगर जनता भूख से मरेगी, देखो जी, रोड पर तो आएगी जी, अगर उसको खाने नहीं, को रोड नहीं। पे आएगी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको भी इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि रोड पे ना आए। तो आप लोग इसके लिए क्या कार्य कर रहे हैं? इसके लिए हम घर घर उसका राशन पहुंचा रहे हैं, हम भीड़ नहीं लगा रहे हैं जिससे कि लॉकडाउन का उल्लंघन हो। हम जो है डायरेक्ट अपन बंदे नाम और नंबर लिखते हैं, मतलब लिखते आपको हैं लोग उसका, कॉल करते हैं, आपका हाँ, व्यक्ति लेके उनके घर तक पहुंचा, उनके घर तक पहुंचता है। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जैसा कि आप ये कार्य अपने क्षेत्र में कर रहे हैं या पूरे आपका क्षेत्र तो बटा हुआ है, जैसे वार्ड नंबर 4 है, वार्ड नंबर चार है, कभी कभी मजदूर जैसे यहाँ के आ जाते हैं, इधर से आ जाते हैं, भारत नगर वार्ड नंबर जो 27 में है, मतलब आपके वार्ड से बाहर के, बाहर के हों, लेकिन इससे मतलब नहीं है कि मेरे क्षेत्र का है, मेरे वार्ड का है, इससे मतलब नहीं है। अगर गरीब आदमी है तो उसकी जरूर हेल्प की जा रही है, मतलब पूरे खोड़ा पूरे से खोड़ा कहीं से भी कॉल आ जाए आप उसकी मदद आप कर रहे उसकी हैं। मदद करो। अच्छा, जैसे आप ये बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी नजर में बहुत से समाज से भी ऐसा कार्य कर रहे होंगे, लेकिन आपकी नजर में ऐसा कौन है जो आपके कंधे से कंधा मिला के चल रहा हो, आपकी तरह कार्य कर रहा है? कोई चिन्हित जिसको आप जानते हो, कुछ लोगों के नाम बताना चाहें जो ऐसा कार्य कर रहे हैं? ऐसा कह रहा है, हमारा गोलू सभासद है जी ठीक है, हमारे ललित भाई भी हैं, ललित जी भाई हैं जो खूब सपोर्ट कर रहे हैं हमारे जी वार्ड जी में भी, कईयों को उन्होंने जी राशन प्रोवाइड कराया है, और हमारे चेयरमैन है वो तो कर ही रहे हैं, डेली का उनका राशन वितरण होता है, और हमारे पंकज भाई हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये लोग काफी आप लोगों की काफी मदद अच्छा कर रहे हैं काम और कर रहे हैं। आपकी तरह ही कार्य कर हाँ, रहे हाँ हैं। तरह जो भी हेल्प है, जो भी हमें हेल्प चाहिए होती है, हम बोल देते सोनू हैं। जी, हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आप बहुत बिजी आदमी।